हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं हूँ आपकी फ्रेंड अलका। तो कैसा कट रहा है आप लोगों का टाइम? मेरा तो बहुत बोरिंग वाला कट रहा है क्योंकि मुझे अकेले काटना पड़ रहा है। बट आज है एक स्पेशल डे। आज चीकू को हो गए हैं पूरे 3 महीने। वो 3 महीने का हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए क्या छोटा मोटा प्लान करूँ, बट करूँ ज़रूर अगर वो यहाँ पर है तो। क्योंकि देखो, वैसे केक तो मैं मंगा सकती हूँ, केक मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं। बट मुझे पता है इस समय कोई भी नया केक तो नहीं बना रहा होगा, क्योंकि जब ऑर्डर ही नहीं आ रहे होंगे और पुराना ऐसा उठा उठा वो तो बेक देंगे क्योंकि उनका काम तो है बेकना। बट मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहती जिसे सेलिब्रेट करके हम खुद को नुकसान पहुँचा लें। तो मैं घर का ही कुछ बनाऊंगी, उसके लिए केक तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास मटेरियल नहीं है। बट हाँ, कुछ नया ट्राई ज़रूर करूंगी उसके लिए जो वो खुश हो जाए। और आज हम उसको पहनाने वाले हैं वो वाले कपड़े जो वो उदयपुर से मैं उसके लिए लेकर आई थी, जेठालाल जैसे कपड़े। तो अच्छे से इंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जब यहाँ पर है तो कर लेते हैं। इस वजह से मैंने अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी थी, हर मंथ सेलिब्रेट करी थी जब तक 1 साल नहीं हो गया था। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद नहीं करी, मतलब वो तो मैं करती हूँ, सबको पता है, वो तो मैं जगह जगह चली जाती हूँ अपनी एनिवर्सरी पर। बट मैं सोच रही हूँ चीकू जब तक है, अगर उसके 1-1 महीने पूरे हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि ये कुछ यादें ही होती हैं जो हमारे पास रह जाती हैं। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। आज मैं या तो खस्ता कचौड़ी बनाऊंगी, वैसे आज सुबह अरुण खीर की भी बोल कर गए थे, तो देखते हैं वो बनाते हैं कि नहीं। वैसे तो बन ही जाएगा, और उनकी कड़वी बात मैं कभी नहीं टालती, जो उनके मन में आ गया वो मैं उनको खिला कर ही मानती हूँ। और आप देख सकते हैं ईयरिंग्स मेरा ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया है। तो आज भी मैं इनको जस्ट कूड़े में फेंकने वाली थी, बट फिर भी मुझे लगा एक दिन और पहन लेती हूँ। पर मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये एक बार मैंने किसी यूट्यूबर के पास ही देखे थे, हाँ रेखा दी के पास देखे थे, बी नेचुरल जिनका चैनल है, तो उनके पास ही मैंने देखे थे। तो उसके बाद मैंने ही तुरंत खरीद लिए थे, हमारे यहाँ संडे बाजार से ही मुझे मिल गए थे ये। तो ये हल्के से काले पड़ गए थे जैसे मैंने बोला था, कुछ दिन बाद मैं इनको फेंक दूंगी, बट मन ही नहीं करता, डेली इनको पहन लेती हूँ। और मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हल्की हल्की सी गर्मी भी आ रही है, तो पंखा तेज स्पीड में चलना चाहिए बट हल्का हल्का चल रहा है। तो मैंने और उनको बोला भी कि इस संडे को आप कूलर उतार लो, क्योंकि एसी अभी चलाने से रहे तो कूलर अगर आप उतार लोगे तो। पर वो मना कर रहे हैं कि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है कि ऐसा कुछ करना पड़े। अरुण जा चुके हैं ऑफिस और मैं सोचूंगी, थोड़ा माइंड लगाऊंगी कि मुझे शाम को क्या करना है। देखते हैं कैसे कैसे सब क्या होगा। खाना वाना खा के मैं बैठ गई हूँ, कुछ ऐसा खास नहीं है। अभी मैंने अपनी एक और वीडियो शूट करी थी और वो इससे पहले जाएगी, तो आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी, फेस शेविंग की भी और बॉडी शेव की भी। बहुत अच्छी है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को इसी तरीके से अपना फेस और बॉडी को शेव कर लेना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिस चीज़ को आप जितना हेक्टिक बना के रखोगे वो उतनी ही हेक्टिक बनती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह से ना करें कि हाँ हमें खुद को ही परेशानी होने लगे। तो हमेशा अच्छे से और इन्जॉय करके सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि कोई भी लड़की, मतलब मुझे तो स्पेशली टाइम नहीं मिलता ना, मेरे आसपास भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें मेरी आईब्रो को भी देख के ऐसा लगता है अरे आईब्रो बढ़ रही हैं। बट मैं क्या करूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जब टाइम मिलता है आईब्रो का, मैंने बोला था एक आईब्रो ही करानी पड़ती है मुझे, पर मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है। वैक्स वगैरह कराने का मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनी स्किन को कैसे अच्छा रखना है। मैं शेव करके भी शायद मेरी स्किन औरों से काफ़ी बेहतर है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टीको कहाँ से आ लिया आवाज है, टीको कहाँ से आ ली है, चलो 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 चीकू चीकू चलो नींद आ रही है।
मैंने कर दी। फोटो किससे खींचेंगे? हाँ फोटो किससे खींचेंगे? भाभी रुकना, पापा जी साथ के फोटो भी खींच देना वो जीने वाले बेटा। हाँ हाँ देख, तू चौकू ना मार ले आँख में, ये मोमबत्ती तो जलाइए, माजिला मार तब क्या कहते हैं तीखू दे दे तीखू देख तीखू देख तीखू देख चलो 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 पैटर्न भी ना खाता क्या देख रहा माची सी ऐसी हो रही है दूसरे लाने ले भाभी देखो उठाना जल्दी देखे जल्दी देखो जल्दी मिस कर दोगे वरना चलो 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 देखो बोल के सबको बुला लो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. Happy birthday. अरे मेरा गंजू। केक काटो। काटो। लो पैसे ले लो। चलो पैसे ले लो। पैसे ले लो। सबसे पैसे ले लो। चलो। चलो पैसे ले लो। पैसे ले लो। मेरी वो करो। लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ जल्दी। मनी। गिफ्ट लाओ गिफ्ट लाओ। दे पैसे। तेरे पे ना बस। गिफ्ट लाओ जल्दी। अनुज बाबा ने टाइगर का बिस्कुट दिया टाइगर पकड़ लो शाबाश नहीं डाल दो चलो यहाँ रख दो डाल दो मैं भी वो कर दूंगा बैंक में डाल बस कैपन थोड़े नीचे कर लो।